परेशानी से परेशान है, क्या आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, अगर ये सारी परेशानी अगर आपको है और एक सही वीडियो की अगर तलाश थी आपको, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है, तो आज का वीडियो देखना 100% मस्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूँ छवि। पीछे से आपको बहुत सारे आवाज आ रहे होंगे तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बाजू में ही सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और खट खट बहुत हो रहा है, तो उसके लिए दिल से सॉरी, उसमें आप मेरी इस परेशानी को समझे। आप सबके लिए एक ऐसा डे और नाइट क्रीम लेकर के आई हूँ जो आपके स्किन के ऊपर मिरेकल वाला काम करने वाला है। सिर्फ 7 दिन में आपको आपकी स्किन में विजुअल रिजल्ट दिखने वाला है, यानी कि आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग लगने वाली है, बहुत ज्यादा ब्राइट लगने वाली है, बहुत ज्यादा टाइट लगने वाली है, और अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, काले दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, एक्ने के दाग हैं, स्कार्स है, कुछ चेहरे के ऊपर उम्र एक होता है कि भैया 50 के बाद थोड़े रिंकल्स आते हैं, 60 के बाद थोड़े आते हैं, बट अगर आपके चेहरे के ऊपर किसी भी कारण बस आपके रिंकल्स बहुत पहले आ गए हैं, यानी कि आप 30 के हो अगर आपको रिंकल्स दिखने शुरू हो गए हैं, तो भी आपके लिए ये क्रीम बहुत सुपीरियर होने वाला है, बहुत सही होने वाला है। अगर आप 25 के हो तो भी ये क्रीम आपके लिए बहुत सही होने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में ये जो क्रीम है, अगर आपकी उम्र 25 साल से लेकर के आज के डेट में कितनी भी हो, आपके लिए बहुत 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 यूजफुल होने वाला है। एक ऐसा क्रीम है जो ऑल स्किन टाइप्स को जाने वाला है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो, चाहे ड्राई हो, चाहे सेंसिटिव हो, चाहे एक्स्ट्रा सेंसिटिव क्यों ना हो, सारे स्किन टाइप्स को ये क्रीम जाने वाला है। सुपर से भी ऊपर वाला ये काम करने वाला है। इन सारी परेशानी, जो भी मैं आपको परेशानी बताई हूँ, उन सारी परेशानी को खत्म करते हुए आपकी स्किन में इतना आपकी स्किन को ग्लोइंग, यानी कि इतना आपकी स्किन को चमकदार बना देने वाला है कि आपके मींस आपकी स्किन में ना वो हीरे वाली जो चमक होती है ना, वो आने वाला है, और आप अपनी उम्र से हमेशा 10 साल छोटे दिखने वाले हो। यानी कि एक ऐसा क्रीम जो भैया सुपर से भी ऊपर वाला क्रीम है, जिसका रिजल्ट यकीन करें, शर्त लगा सकते हो आप, इसका रिजल्ट अमेजिंग होने वाला है, अमेजिंग। इसको बनाना बहुत आसान है, इसको लगाना बहुत आसान है, गजब का है, और इंग्रेडिएंट सारे आपके घर में उपलब्ध हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल ब्यूटी विद छवि। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, जिसमें मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है छवि अश्विनी कुमार। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर ले। इस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है, वो लेना है बनाना। जैसे आप मेरा बनाना देख रहे हो, वो बनाना जो है आप काले रंग का देख रहे हो, बट ये जरूरी नहीं है कि आपको काला बनाना ही लेना है। मैं मोस्टली जो क्रीम वगैरह बनाना होता है तो इस टाइप के बनाना ले लेती हूँ जिसका छिलका थोड़ा सा काला हो गया हो, इसका मतलब वो नहीं कि खराब हो जाता है वो। अब बनाना क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। बनाना आपके स्किन को वाइटन करता है, आपके स्किन को ब्राइटन करता है, यानी कि आपकी रंगत को बहुत ज्यादा फेयर करता है, निखारता है आपकी रंगत को, आपके चेहरे के ऊपर जो रिंकल्स वगैरह है उन सबको दूर करता है। आपकी अगर जॉ लाइन सैगी अगर हो गई, अगर आपकी स्किन लूज हो गई है, उसको टाइट करता है, आपके पिगमेंटेशन को लाइट करता है, आपके झाइयों को लाइट करता है, अगर आपके चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे हैं तो उसको भी खत्म करता है। तो बनाना सुपर से भी ऊपर वाला इंग्रेडिएंट होता है एंटी एजिंग के लिए और स्किन को वाइटन और ब्राइटन करने के लिए। अब बनाना को आपको क्या करना है, उसके छिलका को आपको हटा देना है, और उसके बाद आपको मलमल के कपड़े से, क्योंकि मेरा बनाना एकदम से घुला हुआ है तो मुझे इसको मैश करने की अलग से ग्राइंडर में या स्पून से जरूरत नहीं पड़ी है, बट अगर आपका बनाना थोड़ा कड़क है तो आप क्या करें, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी मलमल का जो कपड़ा है उसके अंदर आपको डालना है,
उसके बाद उसके जो भी आपने ग्राइंड किया है ना उसको आपको उसके पल्प को आपको मलमल के कपड़े के अंदर डालना है और अच्छे से आपको निचोड़ना है, जिससे जो भी बनाना का जो भी गांठ वगैरह हो वो एकदम ना आए और एकदम स्मूथ जो है क्रीम सा जो है आपका बनाना निकल जाए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इंग्रेडिएंट, ठीक है। ये बनाना जब आप लगाते हो ना तो आपकी स्किन को इंस्टेंट फेयर कर देता है। अब जो इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो आपको ऐड करना है विटामिन ई कैप्सूल। अब विटामिन ई कैप्सूल क्या करता है, आपकी स्किन को रिंकल फ्री बनाता है। आपके चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां हैं, झाइयां हैं, अनइवन स्किन टोन है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, डार्क सर्कल है, आई बैग है, आई पफीनेस है, इन सारी परेशानियों में जो है विटामिन ई बहुत हेल्पफुल होता है। मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, मैं बहुत ज्यादा इसे यूज करती हूँ। अब बनाना का और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन आपस में बहुत बेहतरीन है, तो क्योंकि एक बनाना है तो इसके अंदर मैं दो विटामिन ई के कैप्सूल ले रही हूँ। अच्छे से बस उसे फोड़ना है आपको और उसके बाद आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब बहुत ऐसे हैं जिन्हें विटामिन ई सूट नहीं करता है या फिर उनके पास विटामिन ई के कैप्सूल नहीं है, तो अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक बनाना में आप कम से कम हाफ स्पून से थोड़ा सा कम जो है विटामिन ई ऑयल ले लोगे। बहुत ऐसे हैं जिनके पास ना विटामिन ई कैप्सूल उनको सूट करता है, ना उनके पास है ना ही विटामिन ई ऑयल है, तब आप इसके जगह पे बादाम का तेल, जो नॉर्मल जो रोगन बादाम सीरम होता है या फिर आपके पास जो भी बादाम का तेल है वो आप इसके अंदर डालोगे। सिर्फ जो आप बाल में लगाते हो वो नहीं डालना है आपको, ठीक है। अब वो एलमंड ऑयल अगर आप लेते हो तो एलमंड ऑयल आपको लेना है हाफ स्पून से भी थोड़ा कम आपको लेना है, इसके अंदर डालना है, उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। काम वही करेगा, बादाम के जो एलमंड ऑयल होता है, जो बादाम का तेल होता है, भरपूर मात्रा में विटामिन ई उसके अंदर होता है, जो आपकी स्किन से फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर काम करता है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है। तो विंटर सीजन के लिए जो ये क्रीम मैं बना रही हूँ वो सुपर से भी ऊपर वाला ये क्रीम है विंटर सीजन में। अच्छा, अगर आपकी स्किन बहुत 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 ज्यादा ड्राई है तो आप इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करोगे। मुझे भी ग्लिसरीन ऐड करना था बट मेरे पास ग्लिसरीन खत्म हो चुका है, नहीं तो मैं ऐड करती। अगर आपको इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करना, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो, अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप इसके अंदर एक विटामिन ई के कैप्सूल डालोगे बट इसके अंदर आप एलमंड ऑयल नहीं डालोगे, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड नहीं करोगे, बट अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है ड्राई है, रफ है, रूखी है, बेजान है, तो आप इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करोगे। ग्लिसरीन अगर आपको ऐड करना है तो 1/4 करना है, ठीक है, उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर देना है। अब आपको इसके अंदर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा आपकी स्किन के फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर काम करता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट बनाता है, रिंकल्स के ऊपर काम करता है, पिंपल्स के ऊपर काम करता है, काले दाग धब्बों के ऊपर काम करता है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, अनइवन स्किन टोन है, उसकी परेशानी को भी दूर करता है। धूप की वजह से आपकी स्किन जल गई हो या फिर गैस के पास जल गई हो, कारण कोई भी हो, आपके बोन आपके चेहरे की जली हुई रंगत को भी वो साफ करता है। मेरे पास पतंजलि एलोवेरा जेल है, मेरे पास हर टॉनिक का भी है, तो वैसे ही अगर आपके पास जो भी ब्रांड का एलोवेरा जेल हो उस ब्रांड का एलोवेरा जेल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे हैं जिन्हें एलोवेरा सूट नहीं करता है तो आप एलोवेरा को स्किप कर सकते हो, बिना एलोवेरा के भी आप क्रीम बना सकते हो, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो प्लीज एलोवेरा जरूर इस्तेमाल करें। फ्रेश एलोवेरा आपको इसके अंदर ऐड नहीं करना है, आपको क्रीम वाला एलोवेरा आपको यूज करना है, मार्केट वाला, क्योंकि अगर फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करते हो, एक तो बनाना उसमें भी फ्रेश एलोवेरा जेल कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत अच्छा है बट वो लास्ट फिर नहीं करेगा, डेली डेली आपको बनाना पड़ेगा। तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल अगर आप लेते हो तो आपको लेना है तकरीबन 3 स्पून एलोवेरा जेल लेना है आपको। मैं 2 स्पून ली हूँ क्योंकि मेरा एलोवेरा जेल खत्म हो गया था, सब ऑर्डर की हूँ, बस सब आ रहा है, तो अभी आपको 3 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है। 2 से 3 चम्मच ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब या तो सबको आपको स्पून से आप मिक्स करो या फिर ग्राइंडर में आप ग्राइंड कर लो एक बार। मैं मोस्टली कहती हूँ कि एक बार अगर आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हो तो बहुत 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 अच्छे से सब मिक्स हो जाता है और आपका क्रीम और भी बहुत अच्छा बनता है। बट मेरा बहुत अच्छे से इजिली जो है वो मिल गया था, तो मैं क्या की हूँ स्पून से ही इसको मिक्स कर ली हूँ। अब आपको क्या करना है, कोई कांच का जो आपका खाली कोई क्रीम का अगर बॉटल वगैरह हो तो आप उसके अंदर इसको स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कांच का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्लास्टिक के भी कंटेनर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी प्लास्टिक की जो डब्बी होती है ना वो भी आप यूज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसको लगाना कैसे है, तो जब भी आप मॉर्निंग में फेस को जब आप सार लेकर के निकलते हो या फिर सुबह जब सो के उठते हो तो भी एज यू विश, लेकिन मैं तो सुबह उठती हूँ, उठते ही अपने फेस के ऊपर कोई ना कोई क्रीम अप्लाई करती हूँ, तभी मैं किचन में जाती हूँ। तो मैं मोस्टली अभी 7 डेज से ये बनाना क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आपको क्या करना है, अपने पाम में आपको पूरा फिंगर उसके अंदर नहीं डिप करना है, थोड़ा सा हाफ स्पून के करीब में आपको बनाना क्रीम ले लेना है। उसके बाद आपको मिक्स करना है और अपने पूरे फेस के ऊपर और अपने नेक के ऊपर लगा लेना है। अगर आपके हाथों के ऊपर रिंकल्स है तो हाथ के ऊपर भी लगा सकते हो। आपकी स्किन के अंदर ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा देख करके कि आपने कोई DIY क्रीम बनाया है, लगाया है या फिर आपने कोई बनाना क्रीम लगाया है ना। गच्चक का आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके ऊपर आप चाहे तो सनस्क्रीन लगा सकते हैं, ठीक है। घर के बाहर जा रहे हैं तो इसके ऊपर ही आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। आप इसे एज अ फेस पैक भी लगा सकते हो, थोड़ा थिक लेयर अपने फेस के ऊपर लगाइए, 1 आवर के लिए रखिए और आप वॉश कर सकते हो, ठीक है। एज अ नाइट क्रीम, एज अ डे क्रीम और एज अ फेस पैक, एज यू विश। लेकिन मैं इसे एज अ डे क्रीम और एज अ नाइट क्रीम इस्तेमाल की हूँ और मेरे स्किन के ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आपको जब सार लेकर के निकलते हो तो लगा लेना है और वैसे ही जब बेड पे रात में सोने जाने वाले होते हो उसके पहले भी आपको अपने पूरे फेस के ऊपर इसे लगाना है, नेक के ऊपर लगाना है और सो जाना है। सात दिन में ही आपको आपके स्किन पे विजुअल रिजल्ट दिखने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इसको स्टोर करके कितने दिन तक रख सकते हैं। फ्रिज के अंदर 7 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर में तो भाई 2 दिन में ही ये खराब हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आया हो। वीडियो अच्छा लग गया तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और भी अच्छा लग गया हो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और भी मेरे चैनल है उन सबको भी आप सब्सक्राइब कर दें। इसको लगाने का अगर एज की बात करते हो तो अगर आपकी उम्र 15 साल की हो गई है तो लगा सकते हो, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और ब्राइट बनाएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।